जितना भी नेतवा सब है और जितने भी अफसर लोग हैं, सबको हम एगो चीज दिखाना चाहेंगे। हंस तो जरूर दीजिएगा ये चीजवा देख के, लेकिन देख लीजिए ये पुरन का एम्बुलेंस है, सड़ गया है। देख लीजिए एको को कोनो चीज बचल नहीं है, सब दीमक खा गया, खराब हो गया, टूट गया मशीन। भाई देख लीजिए, हम कहेंगे थोड़ा नीचे उतरिए, दिखाइए ये मशीन को, देख लीजिए जितना बुड़बक नेतवा सब है सबको दिखा रहे हैं। लालू यादव रेलवे को प्रॉफिट में कर दिए थे, मालूम है कैसे? जितना कबाड़ में लोहा था उसको बेचकर रेलवे को प्रॉफिट में ला दिए थे। तो उन बुड़बक नेतवा सबको दिखा रहे हैं कि भाई एम्बुलेंस सर रहा है, अब फलका में एको को एम्बुलेंस नहीं है। अरे बुड़बक, पूरा बिहार का ऐसा कचरा बेच दोगे ना, तो जरूर है कि हर अस्पताल में एगो एम्बुलेंस खड़ा कर दोगे। कब समझोगे, कब समझ में आएगा? यही चीज हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देख लो भैया ये एम्बुलेंस सर रहा है, कम से कम इसको बेच कर सरकारी अस्पताल में एगो बेड जरूर खरीद के लगा सकते हो। पैसा का जो रोना रोता है सरकार ना, अगर ऐसा ऐसा चीज अगर बेच दे जो कबाड़ में है, तो भैया कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। सर कितना दिन से एम्बुलेंस नहीं है? हम तो करीब करीब देख रहे हैं पिछले 2.5-3 महीने से एम्बुलेंस सेवा बाधित है जी। और यहाँ पर 2 एम्बुलेंस है, जो कि एक एम्बुलेंस तो नजारत है, उसको देखा ही नहीं अभी। हमको लगता है कि महीना दिन से ऊपर से उसका तो नज़र ही नहीं आया। दूसरा है वो उसका जो है एकदम नल कंकाल के स्थिति में है, वो हाँ स्केल्टन है, वो सिर्फ कहने को है, नमूना है, सिर्फ वो एक पिंजरा के रूप में दिखाई पड़ता है। वो कब एक्सीडेंट कर जाएगा, क्या करेगा, न उसका मैंने इंजन सही है, ना टायर सही है, ना उसका जो है अंदर का सही है। पेशेंट जो जाता है उसमें गाड़ी जब चलती है, ये लोग किसी तरह ड्राइवर चलाता है, तो अंदर धूल घुसता है, पेशेंट उसमें कैसे रहेगा? मतलब उसमें बहुत सारा छेद है, छिद्र है बना हुआ उसके बॉडी में। इसके बारे में सर आपने वरीय पदाधिकारी माननीय सिविल सर्जन साहब को हमने कई बार पत्र लिखा है इसके बारे में जी, लेकिन वहां से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई नई गाड़ी नहीं मिल रही है, जो कि नई गाड़ी के लायक फलका है। 2-2 नई गाड़ी मिलनी चाहिए, वो नई गाड़ी नहीं मिल रही है। तो सब कुछ बता सकते हैं, जैसे किस संस्था वाले आपका यहाँ पर एनजीओ संस्था में सर, एनजीओ वाले जो एम्बुलेंस दिए हुए थे उसका कुछ उसका एनजीओ का नाम ये है, क्या नाम है उसका पवन जी, एनजीओ का नाम क्या है? एम्बुलेंस वाले सम्मान फाउंडेशन से, पटना से गवर्न हो रहा है ये, और सम्मान फाउंडेशन वाले ये चला रहे हैं ये कटिहार जिला में, और उनका ही जो है ये सर्विस है कटिहार। तो कितने दिनों से सर नहीं चल रही है? हम तो पहले ही बोल दिए, करीब 3 महीने से। हाँ सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी CSC फलका। चलिए सर, धन्यवाद।